दोस्तों, आप में से 90% से ज्यादा लोग कॉन्डम के बारे में जरूर जानते ही होंगे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक जादुई यंत्र होता है। आज के टाइम में भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इस जनसंख्या को रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसमें ये यंत्र काफी ज्यादा काम में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्डम की। बहुत से लोग इसके बारे में जिक्र करने से हिचकिचाते हैं, इसके साथ बहुत से लोग इसके बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज के टाइम में ये काफी इम्पोर्टेंट चीज बन चुकी है, क्योंकि कॉन्डम लव रिलेशन बनाते समय ना सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है, बल्कि HIV और एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने से भी बचाता है। अब जब कॉन्डम हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसके बारे में सभी लोगों को जरूर पता होना ही चाहिए कि फैक्ट्री में ये बनता कैसे है। आज की इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डम की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री इंसाइडर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों वर्जन में पाया जाता है। दोस्तों, कॉन्डम को देसी भाषा में हम छतरी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये छतरी की तरह ही तो काम करता है। खैर, चलिए पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, कॉन्डम्स बनाने की शुरुआत होती है इसके सभी रॉ मटेरियल्स की लैब में टेस्टिंग करने से, जिसमें नेचुरल रबर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, ये रबर नेचुरल होती है, इसीलिए इसे पेड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। इसके बाद कॉन्डम बनाने के लिए बड़े बड़े ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लिक्विड ट्यूब में डूबे होते हैं, जिससे उनके ऊपर लेटेक्स का पतला लेयर चढ़ जाता है। फिर परत चढ़े इन ग्लास के ट्यूब को ठंडा करने के लिए एक अलग चैम्बर से गुजारा जाता है, जहाँ पर ये ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद इन्हें दोबारा लिक्विड लेटेक्स में डुबाया जाता है। उसके बाद फिर से इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराया जाता है। इस तरह से जब ये एकदम लचीला हो जाता है, तो एक रोलिंग मशीन की मदद से इसके किनारों को अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया जाता है। इसके बाद जब ट्यूब ठंडा हो जाता है, तो उसे दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पर छोटे छोटे पाइपों से पानी को तेज प्रेशर के साथ गिराया जाता है, जो कि ट्यूब में से कॉन्डम्स को अलग कर देती है। उसके बाद इन कॉन्डम्स को बड़े बड़े वॉशिंग मशीन में अच्छे तरीके से 2 से 3 घंटों तक लगातार धोया जाता है। जब उनके अच्छे तरीके से धुलाई हो जाती है, तो इन्हें सूखने के लिए अलग चैम्बर में रख दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब कॉन्डम अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, तो उसे रोल करके सिलिकॉन ऑयल और अलग अलग फ्लेवर में उसे मिक्स किया जाता है। अब ये पैकिंग के लिए लगभग पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। इसको पैक करने से पहले इसकी लैब में बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले कॉन्डम को एक ट्यूब से लगाकर सबसे पहले उसके अंदर से वोल्टेज को पार कराया जाता है। आपको बता दें, क्योंकि लेटेक्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन ऐसे में यदि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो जाती है, तो उसे मार्केट में नहीं भेजा जाता है, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकती है। यहाँ तक कि बने हुए सभी कॉन्डम्स को फेंक दिया जाता है, इसीलिए इसे बनाते वक्त अच्छे तरीके से सावधानी बरती जाती है, ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी बाकी ना रह जाए। इसके बाद अगले स्टेप में इन कॉन्डम्स में से एयर को पास कराया जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक एक अच्छे क्वालिटी के कॉन्डम में 18 लीटर तक की एयर को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इसीलिए लैब में कॉन्डम्स को फुलाकर चेक किया जाता है कि इसकी क्षमता कितनी है। उसके बाद अगले टेस्ट में कॉन्डम्स में पानी को भरा जाता है और घंटों तक उसे लटका कर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। और अगर इसमें कोई लीकेज पाया गया, तो दोस्तों, दो बच्चे मीठी खीर और उससे ज्यादा बवासीर, ये डायलॉग एकदम सच साबित हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इसकी क्वालिटी चेकिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। घंटे तक लटकाने का एक रीजन ये भी होता है कि जो लीकेज होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिसे एक बार में नहीं देखा जा सकता है, और छोटे से छोटा लीकेज आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
इसके बाद इसकी एक लास्ट प्रोसेसिंग में टेस्टिंग होती है, जिसमें कॉन्डम को एक छोटे छोटे टुकड़े करके माइक्रोस्कोप की मदद से चेक किया जाता है कि इसको बनाते वक्त इसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कीटाणु तो नहीं चला गया है। इस तरह से टेस्टिंग में पास हो जाने के बाद इन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इनके पैकेट्स में इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हमारे नजदीकी मेडिकल स्टोर्स तक पहुँचा दिया जाता है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसे ही प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्री इनसाइडर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।